तो आपका जो है वीडियो बन नहीं पा रहा था, ठीक है। फिजिक्स में जो है आप लोग क्लास 10th का जो है सीबीएसई का ये जो है लेक्चर है पहले नहीं बन पाया था, तो बीच में कुछ दिन जो है आपका बंद चल रहा था, फिर आगे समझी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग पूरा जो है रिफ्लेक्शन आप लाइट पढ़ चुके हो, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो होता क्या था कि लाइट आती थी किसी मिरर से या प्लेन सरफेस से टकरा कर और बाउंस हुआ, तो उस फिनोमिना को हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। तो ये लाइट का जो है सेकेंड इवेंट है रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक ना। रिफ्रैक्शन में हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल मीडियम के बारे में पढ़ना है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पढ़ना है, उसके बाद से जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, स्नेल्स लॉ पढ़ना है, ठीक ना। तो बहुत सारी चीजें जो है हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। देखिए तो आप लोग जनरली डेली लाइफ में देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए आप नींबू का ना डाल दीजिए जो है ग्लास में, ठीक है, मतलब ग्लास जो बाहर से दिखाई दे रहा है, जैसे ग्लास, जैसे मान लीजिए शीशे का हो, ठीक है, ग्लास, तो आप उसमें डालते हो तो उसका साइज थोड़ा बड़ा सा दिखता है। या फिर आप किसी ना बॉटल में या फिर किसी चीज में अपनी पेंसिल को आधा डूबो दो, जैसे आपने बनाया है, तो वो क्या होता है कि आगे से थोड़ी बेंड हुई हमको दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में। अच्छा जैसे मान लीजिए किसी आपने क्या किया कि किसी बकेट में आपने जो है सिक्का डाल दिया और उसको आप ऊपर से ऐसे देख रहे हो ना, तो ऐसा लगेगा ना सिक्का जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी रियल पोजीशन कुछ और है और जो उसकी एपरेंट पोजीशन है, जो मतलब उनको आभास हो रहा है, वो कुछ और है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो किसी को जो हमारे पास पॉन्ड तालाब है, ठीक है, तो उसकी हाइट जो होती है वो क्या होती है कि जितना गहरा होता है ना उससे कुछ ऊंचा हमको दिखाई देता है। तो ये सब रिफ्लेक्शन की जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो होता क्या है कि लाइट जब किसी एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है जिसमें लाइट जो है क्या कर सके, प्रोपेगेट कर सके, ट्रेवल कर सके, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है एक मीडियम एयर, ठीक है, और ये एक मीडियम हमने ले लिया ग्लास, ठीक है, दो मीडियम है, दोनों में ही लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो इस मीडियम में से लाइट जब इस मीडियम में जाती है ना, तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, भटक जाती है कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइट ऐसे आई, ठीक है, ऐसे इसको जाना चाहिए जो है, देखिए ये जो है आपका सरफेस है, इस पाथ पे इसको जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इस पाथ पे जाके ऐसे मुड़ जाती है, देखिए ऐसे बैंड होती है, ठीक है। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो बेंड हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए, तो लाइट देखिए इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, इसको मीडियम नंबर 1 मान लिया जाए, इसको मीडियम नंबर 2 मान लिया जाए, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, देखिए लाइट का जो ये पाथ था ना, ये ऐसे जाना चाहिए इसको, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ना जाके ऐसे क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसका, क्या कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है ना तिरछा, ठीक है, लाइट ऐसे एंटर करना चाहिए, बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर आएगा तो फिर उसको हम आगे देखेंगे कि क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा तो बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि जो लाइट आनी चाहिए उसका जो इंसिडेंस हो रहा है वो ऑब्लिक्विटी होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम वन मीडियम वन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आप पर दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे मान लीजिए ग्लास हो गया, कांच, वाटर हो गया, ठीक है, तो ये सब जो मीडियम होते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। एयर भी आपका ट्रांसपेरेंट है, इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारे एयर लेयर्स भी हैं तो हमको नहीं देखना। तो यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो अपने पाथ से क्या होगी, डेविएट, भटक गई कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं, ठीक है। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी हायर, जो स्विमिंग पूल होते हैं उसका जो बॉटम होता है ना वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, एग्जाम्पल हो गया। ये पेंसिल जो होती है, पेंसिल वाला एग्जाम्पल मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक ना, कि थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। और भी है कि लेमन स्लाइस इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर, मतलब जो आप किसी ग्लास में जो है लेमन को, नींबू को रखते हो उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका रीजन पूछा जाता है कि इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक ना। तो इसका रीजन होता है ये कि जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, मतलब वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और होती है, ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होती है, और एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होती है, एयर या वैक्यूम में, दोनों में लगभग सेम होती है।
तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एयर में याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड और वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, एयर जनरली क्या होता है, गैस, तो गैस में सबसे ज्यादा, ठीक है, ये लिक्विड है तो उससे थोड़ा सा कम, ये ग्लास है तो इसमें सबसे कम होता है लाइट की स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है।